नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। विधानसभा अध्यक्ष ने मणिकवार में नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष ने बाउंड्री वॉल, रिटायरिंग रूम तथा आम जनों के लिए शेड बनवाने, विधायक निधि से राशि देने की करी घोषणा। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने थाना मनगमा अंतर्गत मणिकवार में 25.29 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि पुलिस चौकी में बाउंड्री वॉल सहित पुलिस स्टाफ के लिए रिटायरिंग रूम तथा आम जनता के लिए शेड बनाकर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था उनके विधायक निधि की राशि से कराई जाएगी। उन्होंने लोकार्पण के उपरांत चौकी भवन का अवलोकन किया तथा रजिस्टर में शुभकामना संदेश लिखा। लोकार्पण अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चौकी भवन के निर्माण की मांग काफी समय से पुलिस विभाग के साथ स्थानीय जनता की भी थी, जो आज पूरी कर दी गई है। पुलिस कर्मियों के नए भवन के मिलने से उनका काम करने का हौसला और बढ़ेगा तथा आम जनता को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का भार सेना पर है, तो हमारे समाज की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। अंततः इन्हें समाज का ही अंग मानते हुए समन्वय बनाकर मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। श्री गौतम ने कहा कि समाज में पैदा होने वाला अपराध के बीच को पनपने ही ना दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे। लोगों में बुराइयों को रोकने के बारे में जागरूकता लाकर भागीदार बने। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की है कि माह में एक बार गांव के लोगों से जनसंवाद कर जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तथा लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने मणिकवार चौकी भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की अपेक्षा की। इस अवसर पर आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि प्रदेश में गत 15 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अधूर संरचना के कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए चौकी भवन एक सौगात है। इसके बन जाने से पुलिस व आम जन को सुविधा होगी। उन्होंने लोगों से जागरूक व सतर्क रहकर अपराध मुक्त समाज के निर्माण में भागीदार बनने की अपेक्षा की है। कार्यक्रम में ADGP KP वेंकटेश्वर राव, DIG मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, CO जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े उपस्थित रहे। प्रस्तुत है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत दिन से मांग थी कि एक तो मणिकवार चौकी को उन्नयन करके थाना बनाया जाए और इसके बाद उसका भवन कम से कम हो, तो आज ये पुलिस चौकी का भवन का लोकार्पण हुआ, बन करके तैयार हुआ है। इसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ मैंने जोड़ने का घोषणा की है कि बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, एक बढ़िया रिटायरिंग कमरा बना दूंगा अपने कर्मचारियों को रुकने का व्यवस्था, और पब्लिक के बैठने का, पब्लिक जो आती तो उसके बैठने की भी जगह नहीं होती कई बार, तो एक बढ़िया कोई सेट बन जाएगा जिससे आकर के वो बैठ सकेंगे, उनके भी शौचालय की व्यवस्था रहेगी, ऐसा करने की घोषणा की। बीहर नदी में मिला एक शव, 200 नदी में होने की पुलिस को मिली थी सूचना, दूसरे शव की तलाश जारी। बता दें कि रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास के पास स्थित इटाहा पुल के नीचे बीहर नदी से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने नदी में 2 शव होने की जानकारी पुलिस को दी थी। काफी तलाश के बाद गोताखोरों की मदद से पुलिस ने एक शव को बरामद कर लिया है और दूसरे शव की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शुक्रवार की देर शाम बाईपास पुल के नीचे बीहर नदी में स्थानीय लोगों ने तैरते हुए 2 युवकों के शव देखे थे, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव बहकर आगे निकल चुके थे और दिखाई भी नहीं दिए। अंधेरा हो जाने के चलते शव की तलाश नहीं हो पाई थी। शनिवार की सुबह से ही पुलिस और SDRF के गोताखोरों ने शव की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद दोपहर में टीम को सफलता हाथ लगी और एक व्यक्ति की लाश काफी खोजबीन के बाद मिल गई है। बता दें कि पानी के तेज बहाव के चलते लाश बहकर आगे निकल गई थी, इसलिए उसे ढूंढने में SDRF की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक शव के पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक की फोटो खींचकर सभी थानों को भेजी है, जिससे उसकी पहचान हो सके। ग्रामीणों द्वारा 2 शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें से 1 शव को पुलिस ने बरामद कर लिया और दूसरे की तलाश कर रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है, जिससे ये माना जा रहा है कि दूसरा शव बहकर आगे निकल गया होगा। मृतक की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा वह कौन है और इसकी मौत कैसे हुई है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी बीहर नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। FSL टीम हमारी मौके पर है। FSL डॉक्टर अपनी टीम के साथ पूरा परीक्षण कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स ले रहे हैं और आसपास क्षेत्र में हम लोग उसका प्रसारण कर रहे हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि किस व्यक्ति की बॉडी है और उसके पश्चात PM कराने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कोई घटनाक्रम क्या घटित हुआ है और क्या कारण रहा है।
गत दिवस प्रधान आरक्षक विकट सिंह का विकट खेल मारपीट मामले में स्वर्गवासी को बना दिया आरोपी। तीन आरोपियों में से एक अस्पताल, दूसरा हो चुका है स्वर्गवासी, तीसरे का पता नहीं। शराब पीकर वाहन चला रहे चार लोगों के बचाव में पहुंचे थे प्रधान आरक्षक। रहवासियों ने लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिनों प्रधान आरक्षक विकट सिंह के साथ हुई कथित मारपीट में एक स्वर्गवासी व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि तीन आरोपियों में से पिंटू सोंधिया नामक व्यक्ति की एक वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा आरोपी सूर्य प्रताप कोल घटना के समय अस्पताल में था और तीसरे का पता नहीं है। अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी मिलने के बाद सूर्य प्रताप कोल सहित भारी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों से मामले की गंभीरता से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने आए घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक फोर व्हीलर गाड़ी में सवार चार युवक नशे में बस्ती के ही एक युवक को टक्कर मार दिए थे। इसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। प्रधान आरक्षक विकट सिंह उन चार लोगों के बचाव में वहां पहुंचे थे और गाड़ी ले जाने की जिद कर रहे थे। फरियादी ने बताया कि इस दौरान प्रधान आरक्षक विकट सिंह के द्वारा गाली गलौज भी की गई और मौके पर हाफ पैंट पहनकर पहुंचे विकट सिंह अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे, जबकि स्थानीय लोग पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर विकट सिंह का विवाद ही संदेह के घेरे में आ चुका है। अब देखना यह है कि एक वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके पिंटू सोंधिया को विश्वविद्यालय पुलिस कहां और कैसे गिरफ्तार करती है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादियों से प्राप्त जानकारी का अंश। एफआईआर की गई, वो कौन है दोनों? मैं घटना स्थल में था ही नहीं, ना मैं जानता हूँ पिंटू सोंधिया स्वर्गवास हो चुका है 1.5 साल पहले, जिसके नाम रिपोर्ट की गई है, और घटना स्थल में उपस्थित था ही नहीं। आपके नाम भी रिपोर्ट की गई? आप हमारे नाम कैसे हुई क्या? मैं जब उपस्थित होता तब ना बताता कि घटना स्थल कैसे हुई है। जानकारी मुझे कल मिली कि आपके नाम में एफआईआर है, जब मैं घटना स्थल में था ही नहीं, मैं अधिवक्ता हूँ। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश रावत। आपके खिलाफ ये आरोप है कि आपने पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की है? नहीं, मेरे को खुद ही मारे हैं। आपको खुद मारे? हाँ, मारे, फिर मैं गिर पड़ा। घटना कैसे शुरू हुई, शुरू से पूरा बताएं। मैं जा रहा था घर राशरी लेके, तो उस पार से निकला, ऐसे चले जा रहा था रोड से, तो पीछे से गाड़ी आई तो मेरे को मारी, तो मैं उदक गया, यहाँ से उदकर वहाँ सीधे पड़ा जा, क्योंकि तो चारों उतरे तो मेरे को मारने लगे, तो मैंने तो मारने लगे, मैं चिल्लाना खूब चिल्लाया, फिर गाड़ी में हमको बंद करके ले जा रहे थे, तो मैंने दांते खा लिया उसके, तो छोड़ दिया, फिर तुम गुहार मार दिया, तो ये सब पूरे मोहल्ले वाले सब आ गए 2:30 बजे, बस इतनी मार भाग गए, तो वो लोग भाग गए, भाग गए। इसके बाद कौन वे पुलिस प्रधान आरक्षक आए थे ऐसा, मतलब उनके साथ? नहीं, मेरे को ले गए थे, मेरे खुद ही मेरे को ले गए थे अंदर जो प्रधान आरक्षक थे। हाँ, उनके साथ यह बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है, किसने की है उनके साथ मारपीट? मारपीट यहाँ कोई नहीं किया है, मारपीट कोई नहीं, नहीं किया। वो क्यों आए थे वहाँ पास? कौन वो आए थे? वो गाड़ी वाले भाग गए, ये बताए गाड़ी वाले भाग गए। वहाँ पे दासी थी? हाँ। घटना क्या हुई थी? नहीं, हम लोग जैसे इनको मार रहे थे, ये गिर गया, तो हम लोग उनकी तरफ इनकी गुहार डाली बड़ा तेज से, हम लोग दौड़े थे, फिर इसके बाद वो जो क्या नाम है उनका, विकट सिंह, वो आधा चड्डा पहना था और टी शर्ट पहन के आया, हम वहाँ पे खड़े थे कार के सामने, मेरे को बोला हट यहाँ से, तो हम कम नहीं हटेंगे, तब पुलिस आएगी जब हम हटेंगे, तो मुझे ऐसे सा धक्का दिया वो, तो धक्का दिया, फिर भाग दिया, कर ले सालों को हम इनको बंदूक से उड़ा दें, वो भागता अपने घर तरफ गए, हम लोग इनको उठा के अंदर ले गए, और वो वहाँ मोहल्ला तरफ क्या हुआ हमको नहीं मालूम, हम लोग को नहीं मालूम। इसमें तीन लोगों को जो आरोपी बनाया गया है, पिंटू सोंधिया, सुग्रीव कोल और सूर्य प्रताप। एक गलत, ये भैया नहीं थे, ये हॉस्पिटल में थे। कहां से आया? ये हॉस्पिटल में? हाँ, एक नहीं है, एक खत्म हो गए। जो पिंटू सोंधिया वो खत्म हो गए, खत्म हो गए, वो तो है नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, वो काहे के लिए आए थे, गाड़ी को छुड़वाने? वो छुड़वाने आए थे, उनके तरफ से आए थे। गाड़ी में शराब था, पता नहीं क्या क्या चीज था उसमें। अभी आप यहाँ आई हो, क्या चाहते हो पुलिस अधीक्षक के यहाँ आई हो? क्या हमको इंसाफ चाहिए, बेस कसूर को फंसाइए, हमारा भी बच्चा सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? बबीता कोल। किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने, वीडियो वायरल बनाकर करता रहा दुष्कर्म, विरोध करने पर रिश्तेदारों को भेजा वीडियो, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें कि रीवा जिले की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जान पहचान के युवक ने झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया है, इस दौरान उसने वीडियो भी बनाया।
जिसके बाद उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी किशोरी से बार बार रेप करता रहा। पीड़िता ने एक दिन आरोपी से मिलने से मना कर दिया तो उसने अश्लील फुटेज रिश्तेदारों को भेज दिया। परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो बेटी से पूछताछ की गई, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने पूरी बात परिजनों को बताई। किशोरी के साथ हुए शोषण की कहानी सुनकर परिजन महिला थाने पहुंचे, जहां मामला दर्ज करने के बाद लड़की का मेडिकल चेकअप कराया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तिगरा निवासी विकास मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ सिमरिया से 17 वर्षीय किशोरी रेप के बाद वीडियो वायरल करने की शिकायत लेकर महिला थाने आई थी। पीड़िता का संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। रेप की पुष्टि होने के बाद अपराध क्रमांक 147/22 आईपीसी की धारा 376(2)(N)/5/66(A)(IT Act)(1/4) पॉस्को एक्ट का प्रकरण कायम किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की मिली सूचना के बाद आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लाई है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के मोबाइल से किशोरी के अश्लील फोटो और वीडियो जब्त कर लिए गए हैं, जिनको परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया है। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सिमरिया थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक बच्ची है जो नाबालिग है, उसे विकास मिश्रा करके एक लड़का उसे प्रेम जाल में फंसा करके और उसका शारीरिक शोषण करता रहा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और शादी का प्रलोभन दे करके और लगातार संबंध बनाता रहा। जब लड़की ने ना ही किया, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तब उसने जो है उसके बनाए हुए वीडियो को वायरल करने का प्रयास किया, जिस पर बच्ची ने आकर शिकायत की। उस शिकायत पर महिला थाने में 376(N) पास्को एक्ट और IT एक्ट के विरुद्ध उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को सिमरिया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अभी रक्षा में है और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने अधिवक्ताओं ने एक बार फिर उठाई मांग। रीवा जिला न्यायालय में आज अधिवक्ताओं के द्वारा मुख्य न्यायाधीश जबलपुर के नाम जिला न्यायाधीश को सौंपा ज्ञापन पत्र। अधिवक्ताओं ने मांग उठाई है कि हमारे भारत देश में सभी के लिए एक दिवस निश्चित किया गया है, लेकिन दिन रात लोगों की सेवा करने वाले अधिवक्ताओं के लिए कोई विशेष दिवस घोषित नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं की मांग है कि 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। इस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मंगलमय हो। अधिवक्ता वैदिक शब्द है, शुक्ल यजुर्वेद में भगवान शिव को संसार का प्रथम अधिवक्ता कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में कई दिवस घोषित किए गए हैं, किंतु विद्वान की उपाधि प्राप्त संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग न्यायपालिका के आधार स्तंभ अधिवक्ताओं के मान सम्मान हेतु अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से दिवस घोषित नहीं किया गया है। 3 सितंबर को जिस दिन विश्व शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1893 को साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट पर पैरवी किए थे, उसी दिन को लेकर रीवा के अधिवक्ता विगत कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। इस दिन को आधिकारिक तौर पर अधिवक्ता दिवस के नाम मोहर लगाने की अपील की गई है। इसके साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ सहित पेंशन की मांग भी की गई है। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद रीवा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सबका डे है, डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लाखों लाख एडवोकेट हैं जो न्यायदान के आखिरी और मैंने कहना चाहिए वो चौथे स्तंभ हैं और न्यायदान के आखिरी आशा हैं, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन वो एक दूसरे को कह सकें या कि आप उनको कह सकें, हम कह सकें। जैसे हम कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी पत्रकार डे, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। हम लोगों के लिए ऐसा कोई डे नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका के लिए, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए एक ऐसा डे हो जिस दिन को वो अपने आप को एक अभिवादन सुन के गौरवान्वित महसूस कर सकें और उत्साहित होकर न्यायदान में सहयोग दे सकें। एडवोकेट प्रोटेक्शन डे, पेंशन, ये सब हमने, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है, ये तीनों मांगों लेके हम लोग चले थे। तो एडवोकेट डे उन्होंने मंजूर किया और पेंशन को भी उन्होंने मंजूर कर लिया था, कौन कांग्रेस सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट को भेज दिया था, प्रारूप भी भेज दिया था। लेकिन लागू हो गया कि पेंशन मिलेगी,
संहिता भी नहीं लागू नहीं हुआ इसको मांगे नहीं मानी गई हैं अभी विचाराधीन है ये चल रहा है पता नहीं क्यों सरकारें खिसका रही हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोग बतलाएं बड़ी सिंपल सी बात है पेंशन क्यों चाहिए प्रोटेक्शन क्यों चाहिए जब हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो एक असुरक्षित आदमी को जो न्यायदान मांगने हमारे पास आता है कितने क्रिमिनल्स कितने कौन आते हैं कौन उनको सुरक्षा दे पाएगा। रही बात पेंशन की पेंशन एक ऐसी मानी कहना चाहिए भविष्य की सुरक्षा है। रीवा टीआरएस कॉलेज प्रचार पर फिर तानाशाही के आरोप सड़क पर आए अतिथि विद्वानों का विवाद प्रभारी प्रचार ने कार्यभार संभालते ही अपने चहेतों को काम में रख वरिष्ठ अतिथि विद्वानों को किया बाहर। रीवा के ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के प्रचार पद एक बार फिर अपने विवादों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जनभागीदारी के माध्यम से रखे गए 8 वरिष्ठ विद्वानों को बिना कारण के बाहर करने के बाद अब टीआरएस कॉलेज में प्रभारी प्रचार के विरुद्ध अतिथि विद्वानों का विवाद सड़क पर आ चुका है। टीआरएस कॉलेज से बाहर किए गए अतिथि विद्वानों ने बताया कि विगत कई वर्षों से वे शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिन्हें मेरिट के आधार पर जनभागीदारी के माध्यम से रखा गया था। प्रभारी प्राचार के कार्यभार संभालते ही 13 में से 8 अतिथि विद्वानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वह सभी मेरिट लिस्ट पर हैं। अतिथि विद्वानों ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रभारी प्राचार के द्वारा तकरीबन 25 अपने चहेतों को विभिन्न पदों पर रख लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बात की शिकायत जनभागीदारी के अध्यक्ष कलेक्टर सहित एडी से भी की गई लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश कि सभी अतिथि विद्वान विगत 10 वर्षों से महाविद्यालय में कार्यरत हैं उनके द्वारा एमफिल के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं का अध्यापन कार्य किया गया है इसलिए एमफिल बंद होने का आरोप या बात आधारहीन एवं नियमानुसार नहीं है माने पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। इस साफ साफ लिखा है विगत 10 वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों को अचानक कार्य से पृथक किया जाना इनके परिवार के लिए भी संकट है इनके लिए भी संकट है। अब आप लोगों से एक चीज सीधी बात है कि यदि जो व्यक्ति 10 से 15 साल से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है और कोई कई लोग ओवर एज हो चुके हैं ऐसी स्थिति में इनके द्वारा भी इस तरह का विधि विरुद्ध और मनमाना निर्णय लिया जा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बड़ी सीधी बात जी क्या निर्णय लिया है आपने कौन कलेक्टर जो जनभागीदारी के अध्यक्ष हैं जी कलेक्टर महोदय को इन्होंने एक पत्र दिया है कि ये लोग बाहर हो रहे व्यवस्था से ये एमफिल पढ़ाते थे जबकि झूठी जानकारी दे के एमफिल पढ़ाने भर की बात कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि बीए में भी पढ़ाते थे तो एमफिल के बाद भी कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप एक विज्ञापन निकाल के इनको आमंत्रित कर लीजिए यदि ये अच्छे लोग महाविद्यालय प्रबंधन ने ये कहा कि काफी साल से काम कर रहे हैं मेरिट में रहते थे ये उन्होंने स्वीकारा है तो यदि तो कलेक्टर साहब का ये मौखिक डिस्कस था कि यदि ये अतिथि विद्वान रह चुके हैं वरिष्ठ हैं मेरिट में मेरिटर हैं तो इनको आप विज्ञापन के जरिए अंदर कर लीजिए। तो 2 महीने से प्राचार्य जी आजकल मेरिट सूची है ये 18-19 मेरा नाम राजेश मिश्रा है ये सबसे ऊपर पीएचडी होल्डर में सबसे ऊपर मेरिट में मेरा नाम है नीचे वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है मुझे छोड़ा गया है उसके नीचे सेकंड में दिखा रहा हूँ 19-20 भी मेरा नाम राजेश मिश्रा है मेरिट में ऊपर हूँ नीचे के लोगों को आमंत्रित किया गया है आज भी 17-22 में भी अब ये 2 मेरिट ही हमारे पास उपलब्ध है अगर पूर्व की मेरिट भी महाविद्यालय से खोजी जाए निकाली जाए तो उसमें भी हम लोग मेरिट पे ही रहेंगे। जो विज्ञापन की बात कर रहा हूँ सारे विषयों में कुछ जगह आमंत्रण करने के लिए जो हम लोग के अलावा जो जगह खाली थी या कि कुछ आवश्यकता थी मेरे विषय में आमंत्रण विज्ञापन निकाला गया। आज की खबरों में बस इतना ही कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नमस्कार।